हेलो गाइस, हेलो गाइस, स्वागत छ हजुरहरूलाई फेरि पनि हाम्रो नयाँ ब्लगमा है। अनि हजुरहरू कस्तो हुनुहुन्छ? सन्चै सुबिस्तै हुनुहुन्छ होला सबैजना है। अनि हजुरहरूले यति धेरै माया, यति धेरै सपोर्ट दिनुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ है। यसरी नै माया, यसरी नै सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ आशा राखेकी छु। अनि हजुरहरू जो जो पनि मेरो नयाँ सब्सक्राइबर, मेरो नयाँ फलोअर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मेरो च्यानल, मेरो पेजमा एकदम धेरै धेरै स्वागत छ है। अनि हजुरहरू जो जसले पनि है मेरो च्यानल, मेरो पेजमा फलो गरिदिनु भएको छैन, उहाँहरूले पनि गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ आशा राखेकी छु है। अनि आज चाहिँ हामी बुढाबुढी है, अब डिनरको रेन्डम ब्लग हुँदैछ। आज चाहिँ अब डिनरको रेन्डम ब्लग हुँदैछ है। सो अब हामी चाहिँ दुईजना खाना बनाउनु गएको उता किचनमा। आज चाहिँ बुढा घरमै हुनुहुन्छ नि त, सो त्यही भएर चाहिँ आज बुढाले मलाई सघाउनु हुन्छ। केश छोडेर खाना बनाउनु हुँदैन है, केशमा खानामा पस्छ केश। सो अब यसलाई चाहिँ यसरी डल्लो पार्ने। बुढाले चाहिँ मसला पिँदैछ है। म आगो फुक्छु ल। अस्ति टिपेर दिँदा दिए हामीलाई दुइटा भुसुन सम्झिले झार्दै थियो। दादाले चाहिँ मसला पनि पिनिसक्यो, अब प्याज काट्दैछ है। पाकिहाल्छ मिन्स एक घन्टा त पकाउँछु, तर म मासु पकाउनु पर्यो नि त। सुँगुरको मासुमा झन् उयो हुन्छ कि, बोसुतिर के हुन्छ किराहरू। खासमा त बोइल गरेर खानु भन्छ सुँगुर मासु भने चाहिँ, त्यहाँ त चाइनिजहरू हुन्छ नि, जहिले सुँगुर मासु बोइल गरेर खान्छ उनीहरूले है। टमाटर त कस्तो ल्यायौ अस्ति सुनादाबाट? किन सबै हाउडे हाउडे खालि ल्याएछ टमाटर त तिमीले? बिग्रेको रहेछ, बिग्रेको मिन्स दागहरू लागेको जस्तो छ नि। त्यो दोकानमा त्यस्तै मात्रै थियो, अन्त अर्को दोकानमा जानु पनि उयो भयो नि त, सबै सौदा त्यहीँ गरेको थिएँ नि त मैले। हो त्यो सिलगढीबाट तिमी हेर्नु नले भन्ने बाठी भएर, अन्त त्यति टमाटर पनि सिलगढीबाट ल्याउनु भनेर नि। के फिङ्गर अरे भएन, गोल्डफिङ्गर बोल्दा है मालुम है इसको ना, गोल्डफिङ्गर कहते है ये। हम लोग 10 रुपए में जो खरीदता है ना, चार पीस आता है ना, चार पीस कोई जगह चार पीस आता है, दूसरा जगह तीन पीस देता है। कितना करके, तीन तीन करके कि दो दो करके? तीन तीन करके, मैं तो पाँच तो खाऊंगी। पाँच तो खाएगा तुम, दो चार पाँच, इतना सा होगा ना, होगा। बिल्कुल राख्नु न, बिल्कुल बनाउनु न अन्त भात के साथ खाने के लिए दूसरा है तो ठीक है, तो फिर ठीक है, छोटा वाला खाना पड़ेगा ठीक है। अभी तो इसको खाना पड़ेगा है ना। कसरी हेरे दादा पैकेट? एप्पल है को 80 रुपए किलो। तर प्याकेटको किनेर हो भने त सस्तो पर्छ नि, खुल्ला सस्तो हो नि। यही फ्राई गर्छ, यही फ्राई गर्छ अनि सब्जी पकाउँछ। ए ल, के भयो बुढा, थाक्यो? थाक्यो मिन्स अल्छी लाग्यो, अल्छी है बुढी।
जिन्दगी यस्तै छ है बुढा, तर जे छ ठिकै छ, जिन्दगी राम्रै छ है। आई एम ह्याप्पी विथ माई लाइफ। के तुम खुश नै हो तुम्हारे जिन्दगी से? परेशान हो गए क्या? नहीं, आपका ना शकल दिखे ऐसा लगा मुझे तो इसीलिए बोल दिया। मेरा शकल तो ऐसा ही है, बंदर जैसा ही, क्या करे। नहीं, कितना अच्छा है। अच्छा है हाँ। इसीलिए तो शादी किया ना। हम लोग का शादी का कितना हुआ मालूम है तुमको? 4 साल होने वाला है। एनिवर्सरी कब है हम लोग का? अक्टूबर। कितना तारीख? अक्टूबर 4 तारीख। अरे बाप रे, रंग 4 तारीख तो है तो। नहीं, भूल गए हो आप। 8 तारीख। कॉन्फिडेंट नहीं हो आप। कॉन्फिडेंट है इसलिए तो बोल रहा है। कितना तारीख कॉन्फिडेंट है? 8 तारीख का है। अरे बाप रे, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे शादी का दिन भी मालूम नहीं आपको। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ ना, हम बाहर जाते हैं ना काम करने के लिए, इसीलिए मालूम नहीं पड़ता है ना। तुम तो घर पे बैठते हो, तुम तो मेरा बीबी हो। तो तुमको याद करना चाहिए ना। अरे बाप रे, मैं अकेले मनाने से हो जाएगा एनिवर्सरी? अरे केक तो हम ही तो खरीदना पड़ेगा ना। वही तो, कितना तारीख को खरीद लेंगे आप? तुम जितना तारीख आगे बोलो, एक दिन आगे बोलो खरीद। डेट बोलिए ना हम लोग का एनिवर्सरी का डेट का। वही तो, जैसे कल होगा तो आज। नहीं, दिला की मत कीजिए ना आप, मजाक मत कीजिएगा। मजाक क्यों करूं तुमसे? बोलिए तो कितना तारीख है, कॉन्फिडेंस से बोलिए। अक्टूबर 4 तारीख है, अक्टूबर 4th। कसम? कसम से। दैट्स माय गुड हस्बैंड। यस, मलाई त यस्तो रिस उठ्दै थियो कि तपाईँले बिर्सेछ भनेर। हाम्रो कतिल अभी तक गरम नहीं हुआ है, गरम होने के लिए पूरा आग दे रहा है, लेकिन फिर भी गरम नहीं हो रहा है। तपाईँले चलाएको चलाइ गर्छ अन्त। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टिन फोर्टिन फिफ्टीन सिक्सटीन वन एंड सिक्स सिक्सटीन। ये तुम्हारा हो गया 4, ये हो गया माँ का 4, ये हो गया पिता का 4, और ये मेरा बाकी 4। कितना करके देना है? 10 करके। 10 10 रुपीस? यस। ठीक है, 30 रुपीस हो जाएगा। 30 रुपीस हो जाएगा ना। तब फिर हम सिलगढ़ी जाते समय लेके आएगा। ठीक है, तो ठीक है, दूंगी मैं भी। अभी इतना छोटा है ना, ये तेल डालने के बाद कितना बड़ा होता है ना। कितना बड़ा होता है? अभी तक नहीं देखा तुमने? दिखाई दिखाई। क्यों दिमाग चट रहे हो? कितना बड़ा होगा पूछता है। क्योंकि ना मुझे ना आपको गुस्सा दिलाने में बहुत मजा आता है ना। गुस्सा नहीं आता है ना हमको? क्यों नहीं आता है? आता है, नहीं आता है। जब आपको गुस्सा आता, आता है कभी तो फिर आपका गुस्सा आता है ना, ये काला अनुहार से भी लाल है, लाल। हाँ, जल्दी जल्दी गरम हुए तेल जी, फिंगर खानु मन परी सक्यो। के भयो रे? अर्को सानो चिप्स पनि बनाइदिउँ के होस्? बनाइदिन न, त्यो त भातसँग खाउँ न भरे। ल, ओसिन्छ होला फेरि, अहिले पनि गरिरहेको थियो नि। हाले नि खालि होइन, फेरि तिम्रो यो खुल्लिँदैन। तेल चाहिँ पुरा हिट गर्नुपर्छ, पुरा गरम गर्नुपर्छ। हिट मिन्स गरम गर्नुपर्छ, तातो गर्नुपर्छ भने फेरि। अर्को चाहिँ के हो नि त अन्त हिटको उयो चाहिँ, मतलब चाहिँ हिटको भनेको स्पिड जोडले हुन्छ, अर्को हिटले हिर्का भनिन्छ, स्पिड हिर्का। हिटको पनि दुईटा हुन्छ नि त मिनिङ, एउटा हिट हुन्छ बियर। किन हिट भनेको हुँदैन, हिटले हिर्कायो भन्दैन, पहिला हामी हिटले हिर्कायो भन्थ्यो त अन्त। के हो हिट भनेको चाहिँ? स्पिड जोडले, एउटा हिट भनेको तातो, तर अब स्पेलिङ चाहिँ फाल्टो फाल्टो हुन्छ। एउटा डग भनेको कुकुर हो, एउटा डग भनेको हाँस हो। प्रनाउन्स त डगै आयो नि त, तर स्पेलिङमा चाहिँ डिफरेन्ट छ नि त। आई नो, आई सी, बुढा भाइ सी।
चीज फ्राई हुँदैछ दामी फ्राई भयो तिमीले खान्दैन हैन खान्न म दुधोल हाल्यो भने ठिकै हुँदैछ हौ न तेल थाहा तात्तेन रहेछ क्या तत्तै छ हौ भाँडा सानो भएको थियो अझ कम्ती भएको थियो तेल कम्ती भयो कराही सानो भयो दादा त्यो माछाको तेल पनि छ हिजो फ्राई गरेको माछाको हुन्छ अहिले बनाउँ त्यसमै बनाउनु सब्जी तेल खा फेर खा उयो हुन्छ फेरि खेर जान्छ त्यो खेर तेलै दामी भयो दामी अलिक खरेन छ दादा मासु तान्ने यस्तो गरेर तान्नु पर्दैछ त तातो तातो भएर हौ अलिक हो दामी भएछ ए हामी फिङ्गर चिप्स भन्छ नि दादा त्यो रातो रातो हो यसमै रङ खोर्सानीहरू दलेको होला है बेच्ने यस्तै छ यही त हो दोकानतिर झुन्डा राख्छ नि 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ प्याकेटको लिनु त्यही पो हो अझै याद थिएन हो कि होइन भइरहेको थिएँ नि त म मम्मीलाई आप्पालाई लगिदिएको लिनु सुत्नु भएको रहेन सो त फिङ्गर ल तेल प्याज आमामा तेल हेर्नु बुढा यहाँ ए आम्म मोटी माथि झन् मोटी हुने रहेछ नि हौ म त बुढी हल्लाउने मान्छे झन् भाइरल त्यस्तो गर्दैन भाइरल हुन्छ त्यस्तो भयो नि त मेरो अफसोस त्यत्रो ठुलो बुढी छैन नि त अन्त म चाहिँ अब मेरो लागि अन्डा र आलु बोइल गर्दैछु है ग्रेभी ग्रेभी मिठो भयो तर यसमा नुन चर्को हुन्छ मेरो चाहिँ अलमोस्ट मसला रेडी भइसक्यो हिजो फक्सा हो पक्करी बनाउँदैछु म चाहिँ मम्मीहरूले खान्छ अहिले मैले हाम्रो चाहिँ खाना नि पाक्यो अब एकछिन टिभी हेर्ने है त्यसको बादमा चाहिँ खाना खाने हामी चाहिँ अब खाना खानु स्टार्ट गरेको है हाम्रो चाहिँ अब कति बजी अहिले 7:30 आज ढिलो भयो हामी चाहिँ 7 बजी खाना खान्छ आज अलिकति ढिलो भयो तर पनि केही छैन अब चाहिँ हामी खान्छ